अस्सलाम वालेकुम मई यूटूब फ़ैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो सुबह के जो है तकरीबन सात बज रहे हैं अभी मैं उठी थी अब्दुल हादी को स्कूल भेजने के लिए तो सबसे पहले तो उसको दूध डाल कर दूँगी फीडर में और एक फीडर पिएगा उसके बाद हल्का फुल्का सा नाश्ता करेगा और साथ लंच बना कर दूँगी और स्कूल जाएगा जी तो आज की जो है वो हमारी डेली रूटीन बहुत ही मज़े की है आपने वीडियो को एंड तक देखना है आज का जो टॉपिक होगा वो हमारे डिस्कशन का यही कि हम किस तरह से अपने आप को खुश रख सकते हैं तमाम तर मुश्किल के बावजूद परेशानियों के बावजूद हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं तो इसके ऊपर डिटेल पर बात करेंगे और आपको दूंगी मज़े मजे के टिप और इसके अलावा जो है मज़े की रेसिपी होगी तो आपकी वीडियो को देखना एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना तो हादी को भेज कर अब मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए और अपने टॉपिक के ऊपर वापस आती हैं तो आज का हमारा टॉपिक है वह है कि हमने ख़ुद को ख़ुद ही खुश रखना होता है ये ज़िम्मेदारी हम किसी को नहीं दे सकते और ना ही हम हालात के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं देखिए हालात पे जो हमारा अख्तियार है ना वो सिर्फ़ दस परसेंट होता है और अपने ऊपर हमारा जो कंट्रोल है जो अख्तियार है वो नाइन्टी परसेंट है तो अगर हम जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल अपना पूरा रखते हैं हम हालात पे डिपेंड नहीं करते जो भी ज़िंदगी में मसले मसाइल आ रहे हैं जो भी परेशानियाँ आ रही हैं तो ये हमने डिसाइड करना है कि हमने उससे असरानंदाज होकर ख़ुद को नाखुश रखना है या उनसे मूव ऑन करना है उनको इग्नोर करते हुए अपनी खुशी का ख्याल करना है ज़िंदगी में बहुत सारी तलख चीज़ें हो जाती हैं तलख बातें सुनने को मिलती हैं तलख तजुर्बा से इंसान गुजरता है तो बहुत सी चीज़ें नागवार गुज़रती हैं लेकिन हमने उन चीज़ों को टॉयलेट करके सारी परेशानियों के बावजूद अपने आप को कैसे खुश रखना है उसके ऊपर हम बात करेंगे अच्छा मैं आपको एक बहुत ही पर्सनल सी बात बताती हूँ जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं ना या जहाँ कह लें कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते अक्सर अकात हमें वही ज़्यादा लोग जो है ना हर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हम उनको इतना कंट्रोल हमने दिया होता है उनको इतना अख्तियार दिया होता है कि वो हमें खुश कर सकते हैं या फिर हमें ना खुश कर सकते हैं अगर हम ऐसा करें कि ये अख्तियार उनको देने के बजाय ये अख्तियार हम अपने पास रखें हम खुद के ऊपर इतना कंट्रोल रखें कि वो हमें ए, हम पे ऊपर असरअंदाज ना हो सके अगर किसी ने कोई गलत बात कह दी है या कोई गलत जुमला बोल दिया है या हमें हर्ट कर दिया है तो हमारा अपने आप इतना अपने आप पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम उसकी बात से हर्ट ना हो बावजूद तमाम परेशानियों के हम ख़ुद को खुश रख सकें जी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसके ज़रिए से आप प्रैक्टिस करके बहुत जल्द अपनी लाइफ के अंदर मेजर चेंज ला सकते हैं जो मैंने भी प्रैक्टिस किए थे और मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन आपको भी होगा अच्छा ये जो है ना जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात कर रही हूँ ये कहने को बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसका जो रोल है हमारी लाइफ के अंदर सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है अच्छा जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे होते जो ख़ुश रहने की कोशिश नहीं कर रहे होते या फिर जो है वो इग्नोर नहीं बातों को कर रहे होते हालात के ऊपर हालात उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि डिप्रेशन परेशानी इस कदर हमारे माशरे में आम हो सकी है ना तो डिप्रेशन तो एक ऐसी बीमारी है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करती जाती है कुछ लोग होते हैं जो बातों का रिएक्ट कर देते हैं शाउट करते हैं अपने जो है वो फीलिंग्स जो भी उनकी होती हैं वो निकाल देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर अपने आप में जो है ना घुटते चले जा रहे होते हैं और वो जो है नफ्सात की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं तो ये जो प्रैक्टिस करेंगे ना अगर आप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो इन आपकी लाइफ में अगर कोई परेशानी चल रही है आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं लोगों की बातों से या जो भी हालात से परेशानियों से मसाइल है वो आपके माली मसाइल भी हो सकते हैं आपके बच्चों की परेशानी हो सकती है हस्बैंड की तरफ से आपको टेंशन हो सकती है या कोई सास बहू का जो है वो झगड़ा हो सकता है वट जी तो नंबर वन आपने ना अपने पूरे दिन के अंदर कोई ऐसा टाइम निकालना है जहाँ आपने जो है वो बिल्कुल अकेले फ़ारक बैठ कर जो है वो सारी अपनी जो है अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना है देख अल्लाह ताला ने ना इंसान को बेपनाह नेमतों से नवाज़ा हुआ है हम अक्सर जो है ना पैसे को ही समझते हैं कि वो सबसे बड़ी नेमत है जिसके पास पैसा है वही खुश होगा ऐसा नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी बाज़ात खुश नहीं होता है तो जो नेमतों का मैार है अल्लाह ताला के नज़दीक जो बर्तरी का मीयार है ना वो कुछ और है तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें जियाँ दी हुई किसी को अच्छी शक्लो सूरत दी हुई है किसी को लाद की नेमत से नवाज़ा है किसी को घर की नेमत से नवाज़ा है किसी को प्यार करने वाला शोहर दिया हुआ है तो हमें इन तमाम नियमतों का जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जब इंसान शुक्र अदा करता है ना तो मियाँ जो है वो उसको मज़दीद जो है वो नवाजता है और दूसरी बात यह कि आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ कर लेती हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपके फोर् द टाइमिंग आपका जो जहन होता है वो उस चीज़ से डाइवर्ट हो सकता है तो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकती हैं उस उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई जो है अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर लें किचन गार्डनिंग कर लें कोई छोटा मोटा काम कर लें या घर में अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जिससे आप जो है वो बिज़ी हो जाए जब खाली ज़हन होता है ना फिर भी वो होता है कि उसी चीज़ के बारे में उसी बात के बारे में बार बार सोचता रहें जी तो यहाँ पे ना मैं बाइट तार पे कपड़े उतारने आ गई थी और मैं आपको दिखा रही थी दीवारों पे ना हमने थोड़ी सी रेनोवेशन करवाई क्योंकि घर जो है ना काफ़ी देर पहले का हमारा बना हुआ है तो कुछ साल बाद जो है ना रेनोवेट इसको करवाना पड़ता है कि टाइम ता, ताँ, के साथ साथ ना चीज़ें दीवारें खराब होना शुरू हो जाती हैं तो ये ना बाहर पीछे जो हमारा वॉशिंग एरिया है ना इसकी गली जो थी ना इसकी दीवारें सीमेंट उतर गया था काफ़ी रफ सी हो गई थी तो फिर जो है ना इस वीकेंड पे हमने इसको जो है ना दोबारा से जो है ना प्लस्तर वगैरह करवाया है अब इसका सूख जाएगा प्लस्तर तो इसको दोबारा से फ्रेश जो है ना पेंट करवाएंगे इसी तरह घर के अंदर भी थोड़ा बहुत काम जो था करवाने वाला वो करवाया तो दो दिन जो है ना मैं इसके अंदर भी बिजी रही तो अब इसका जो है ना पेंट हो के ना ये सारा नीट हो जाएगा और कमरे में मैंने चूँकि वाल पेपर लगवाना था वाल पेपर लेकर आए लगवाने के लिए तो वही मसला थोड़ा बहुत पेंट उतरा हुआ था तो वाल पेपर वालों ने कहा कि पहले पेंट करवाना पड़ेगा तो जहाँ जहाँ से सीमेंट उतरा हुआ है वो करवाएं उसको फ़िक्स करवाएं फिर उसके बाद वाल पेपर लगेगा तो बस वो भी लाया पड़ा है तो वाल पेपर अभी लगवाऊँगी अभी इस वीकेंड पर पे पेंट शेंट होगा तो इन शाला साथ कमरे की जो है वो शेयर करूँगी वीडियो और हादी को लाने का टाइम हो गया था और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाजत मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में ओके टेक केयर अला हाफि